अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद हमारे चैनल सच्ची बातों में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ अहादीस के बारे में जो रोज़े से के हवाले से हमारे सामने आती है। तो वीडियो शुरू करने से मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सच्ची बातों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली अगली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हदीस नंबर एक, रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार को दो खुशियाँ हासिल होती है, एक उस वक्त जब वो इफ्तार करता है तो खुशी महसूस करता है, और दूसरी जब जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तो रोज़े का सवाब देखकर खुश हो जाएगा। सही बुखारी शरीफ। हदीस नंबर दो, रोज़ेदार की दुआएं अल्लाह ताला रद्द नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती। नंबर एक, आदिल हुक्मरान। नंबर दो, रोज़ादार हत्ता के रोज़ा इफ्तार कर ले, और मज़लूम। तिरमिज़ी। नंबर तीन, कयामत के दिन रोज़ा मोमिन की सिफारिश करेगा। मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा और कुरान मोमिन बंदे की सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने इसको दिन में खाने पीने और शहवत रानी से रोके रखा, इसलिए इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। और कुरान कहेगा कि रात को मैंने इसे नींद से रोके रखा, इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा, और फिर दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी। हदीस नंबर चार, रोज़े की फजीलत। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि बनी आदम का हर अमल उसके लिए है सिवाय रोज़े के रोज़ा खास मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा, और रोज़ा गुनाहों से ढाल है। फिर जब किसी का रोज़ा हो तो उस दिन गालियां ना बके और लड़ाई के लिए आवाज़ बुलंद ना करे। फिर अगर उसे कोई गाली दे या लड़ने को आए तो कह दे कि मैं रोज़े से हूँ, और कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, बेशक रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक कयामत के दिन मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा है। और रोज़ेदार की को दो खुशियाँ मिलती है जिनसे वो खुश होता है। एक तो अपने इफ्तार से वो खुश होता है, और दूसरा उस वक्त खुश होगा जब वो अपने रोज़े के सबब अपने परवरदिगार से मिलेगा। सही बुखारी। हदीस नंबर पाँच, रोज़े की हालत में अगर भूल कर खा पी लिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई भूल गया और कुछ खा लिया तो उसे चाहिए कि अपना रोज़ा पूरा करे, क्योंकि उसको अल्लाह ने खिलाया और पिलाया। सही बुखारी। रोज़ा ढाल है। अब्दुल्ला बिन मुसलमा मालिक बिन अबू अलजाना अरजा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है, इसलिए ना तो बुरी बात करे और ना जहालत की बात करे। अगर कोई शख्स इससे झगड़ा करे या गाली गलौज करे तो कह दे कि रोज़ादार हूँ। दोबारा कह दे, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, और रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से बेहतर है। वो खाना पीना और अपनी मरगूब चीज़ों को रोज़ों के खातिर छोड़ देता है, और मैं इसका बदला देता हूँ और नेकी 10 गुना मिलती है। सही बुखारी। तो ये थी वो चंद अहादीस जो कई किताबों में नकल की गई है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।